देसी हिप हॉप। हेलो मेरे भाई लोग, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल मेरे सभी भाई लोगों को। बहुत तेज नींद आ रही है यार, मैं क्या बताऊं, लेकिन काम करना है, शो मस्ट गो ऑन। जोखे की ईपी खाना बदोश का पहला गाना आ चुका है, गाने का नाम है गर्दिश। और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं और जो कि यंग स्टैंडर्स के होमीज हैं, अक्सर गानों में नाम लेते रहते हैं, जो कि है उमर। उमर का गाना आया था, बहुत ही बेहतरीन गाना था भाई। उसके बाद है बोल जानी, सैवेज, खतरनाक, JJ47 और तला अंजुम, फेवरेट गाना आ चुका है। गाने को सुनेंगे और देखेंगे गाना कैसा होने वाला है। और थोड़ा रिएक्शन वीडियो में मजा ना आया तो यार थोड़ा बर्दाश्त कर लेना यार मेरी शक्ल को। बाकी ये मुझे मालूम था, उमेर खान ने बोल दिया था कि आज गाना आने वाला है और मुझे मालूम था भाई 3-4 बजे ही ये गाना डालते हैं, इसलिए मैं सो गया था। मैंने कहा सुबह उठ के आराम से डालूंगा, लेकिन अभी भी नींद आ रही है। लेकिन रिएक्शन करेंगे, देखेंगे गाना कैसा है, क्या कुछ बातचीत की गई है, लेट्स गो। और मेरे पास मेरा लैपटॉप भी आ गया है, जो कि हम पॉज कर करके एंटरटेनमेंट ले सकते हैं गाने के साथ। ये गर्दिश, पहले जोखे है, फिर उमेर आएगा, फिर बोल जानी आएगा, फिर सैवेज, JJ47, तला अंजुम। यार ये उर्दू में क्या लिखा है मुझे बताना यार, दो वर्ड है शायद जोखे। जैसे रास्ता भटक चुका, ऐसा लगे जैसे अंदर से मर चुका, ऐसा लगे जैसे खौफ मुझ पे तारी है, माफ करना मुझे कि मैं हूँ अब थक चुका, लाचारी से खुद न बेजारी से टाल तो सारे काम लगे जिस्म जैसे भारी है, सब्र का ये इम्तिहान दे तौफीक मुझे, न जाने कब कैसे यानी मेरी बारी है, जिंदा तो हूँ पर मैं तो डाउन इन अ होल, एलिसन चेंज वार और लूज इन माय सोल, दुनिया जैसे जान और ये लोग उसमें बंद, ये बदन का मशाला पर है दुनिया ही गोल, तरस खाता खुद पे देख पे बसी मेरी ख्वाब की ताबीर लगती मौत खरी मेरी, उठता सुबह तो शुक्र करता है खुदा तेरा जागे ना किस्मत और ढल रही है उमर मेरी, क्या बात है, सारी आजमाइशें मार दी अब सारी दिल में थी जो ख्वाहिशें, मंजूर है मुझे लिखा जो नसीब में, अब नहीं होती हसरतों की नुमाइशें, ना है फरमाइशें बस पूरी हो जरूरत, अब मुझे नहीं पड़े फर्क कैसी दिखती सूरत, अब तू का गुरूर में इंसानों का अंजाम देगा, फरिश्ता चेहरे के पीछे छुपा में शैतान देगा। ओके, पहले जोखे की बात कर लेते हैं। जोखे के हमने पिछले गाने सुने हैं, जज्बात, और जो एक वो मूड रहता है ना, मतलब एक रिलैक्सेशन वाला, और सुबह के टाइम पे हम सुनते हैं तो एक मतलब एक हम हाई चले जाते हैं। 3 बजे गाना निकाला है शायद इसने, और उसके हिसाब से बिल्कुल गाना परफेक्ट है। और जोखे की भाई आवाज में इतना रिलीज मिलता है, इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, मैं क्या बताऊँ यार। ऊपर से जो म्यूजिक भी शायद खुद ही इन्होंने बनाया होगा, लेकिन जो रैप नहीं करते, एक मतलब एक कैसे बताऊं मैं, एक सूफी मूड में जो चले जाते हैं ना, वो वाला फील आता है जोखे के गाने सुनने में। मतलब पूरे एक महफिल सजी हो, महफिल ही सजाइए भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आर्टिस्ट है तो महफिल सजा रखे, उसके अंदर हम इंजॉय कर रहे हैं, वो वाला मूड है। और जोखे की आवाज़ रिलीफ और सेटिस्फेक्शन वाली भरी जाती है। अब आएगा शायद उमेर, देखते हैं उमेर का टैलेंट। ये तो कुछ गलियों की बात कर रहा है, मतलब कि मैंने स्ट्रीट नहीं देखी, मैंने गरीबी नहीं देखी, शायद ऐसा कुछ है क्या, अमीर है क्या, कभी देखी नहीं गरीब। एक सेकंड यार, सभी रखते सौ क्यों गर्दिश,
जो लोग मंगल को समझते थे उसने बता दिया भाई। क्यों बंदिश है? गाने सुनो फिर आओ मेरे पास। दिल में बहुत कुछ बाकी, शिकवे खुदा से काफी, शायद वो रूठा मुझसे कि सजदों में भी मिले ना माफी। खुदा गवाह गवाह मेरा खुदा बस, बाप बीमार मैं उसी दिन तो रुका बस, बाकी सिर्फ मेहनत की है अंत तक, टुका ब्रेक लेकिन खाम नहीं बने बंधक। खुदा याद आता दरवाजे होते बंद जब खुशी साथ देता, मैं काट लेता रन सब, पेन और पैड शुरू से ही साथ थे। आप भी दिल लिखूं मैंने देखे काफी हाथ से, आखिर मैं हेड अप पूरे नहीं हाथ थे, मौला मदद भरोसा उसकी जात पे, करिए फिक्र मैं खुश अपने हाथ से और भूला नहीं, मैंने मिलना आखिर हाथ में, सच से मुंह फेरा सब कुछ सच जान के, भूल गया मैं दीवारों के भी कांटे, क्या लेना देना जब पानी ये जहान है, कामयाब वो जिसको हक की पहचान है, गिर कर उठ जाना यही मेरा लाहे अमल, दुनिया बहन चोट और मैंने हंस के खाए जख्म, रहा से सब हम सब ही है सफर में, कफन मेरे सर पर निजात मिले कब्र में, ये उसूल सीखे मैंने अजल से, खो देता हवास वाला मुझे सबर दे। सैविश यार मैं एक बात बताऊं, शायद आप लोगों को बुरा लगे या फिर अगर आप मेरी बात को नोटिस करना, सैविश जब गाता है ना मेरे को लग रहा है सैविश की उम्र अभी छोटी है, 17-18-19 साल का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन भाई बात है मतलब ऐसा लगता है कि भाई बंदे ने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीख रखा है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रखा है, लेकिन जब बातें जब इसके मुँह से सुनता हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे कोई 30-35 साल के या फिर बुजुर्ग होते हैं ना जो अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, उस टाइप का पूरा फील आता है सैविश के गानों में। और भाई रेफरेंसेस ऐसे देता है कि जो कहना कि शायद मैच भी नहीं करता इसे, लेकिन शायद इसका स्ट्रगल ऐसा है या फिर इसकी हसल ऐसी है या फिर ऐसा सीखा है इसने अपने हालातों से, फैमिली प्रॉब्लम से, तभी जाके ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन बहुत बड़ी बात करता है सैविश, बहुत बेहतरीन। अब आएगा JJ47 और JJ47 आवाज़ भाई डोप, बोहेमिया पाजी का हल्का बहुत कहने के मेरे को झलक दिखता है JJ47 में, क्योंकि मैं पहले भी गाने सुन चुका हूँ। सैविज खतरनाक बोल जाने का शायद वो हुक लाया था मेरे हिसाब से, और जो ऑटो ट्यून के साथ हल्का बहुत चल रहा था जैसे झोंके का चल रहा था, और उमेर फाड़ू। अब आएगा JJ47, JJ47 को सुनेंगे हम, पहले एक बार सैविज को दोबारा सुन लेता हूँ यार, इसका सुनने में बड़ा मजा आता है यार, ऐसा लगता है कोई ज्ञान दे रहा है हमको। शायद वो रूठा मुझसे कि सजदों में भी मिले ना माफी। खुदा गवाह गवाह मेरा खुदा बस, बाप बीमार मैं उसी दिन तो रुका बस, बाकी सिर्फ मेहनत की है अंतक, टुका ब्रेक लेकिन खाम नहीं बने बंधक। खुदा याद आता दरवाजे होते बंद जब खुशी साथ देता, मैं काट लेता रन सब, पेन और पैड शुरू से ही साथ थे। आप भी दिल लिखूं मैंने देखे काफी हाथ से, नहीं हाथ थे, मौला मदद भरोसा उसकी जात पे, करता फिक्र मैं खुश अपने हाथ से और भूला नहीं, मैंने मिलना आखिर हाथ में, सच से मुंह फेरा सब कुछ सच जान के, भूल गया मैं दीवारों के भी कांटे, क्या लेना देना जब पानी ये जहान है, कामयाब वो जिसको हक की पहचान है, गिर कर उठ जाना यही मेरा लाहे अमल, दुनिया बहन चोट और मैंने हंस के खाए सब, रहा से सब हम सब ही है सफर में, कफन मेरे सर पर निजात मिले कब्र में, ये उसूल सीखे मैंने अजल से, खो देता हवास वाला मुझे सबर दे। शख्स है या शेर अपनी साथ में। अच्छा अभी वही सारी बातें बता रही है, मैंने कितना स्ट्रगल किया है और जो मेरे फादर की शायद कुछ सिचुएशन हो गई थी कि जो मैं छोड़ गया था ये सब चीज़, बट यही चीज़ मैं कह रहा था, जब किसी के साथ ऐसी आप बीती होती है, जब किसी के ऊपर बीती है ना, वही ऐसी चीज़ें बता सकता है लोगों को। एंड अब आया JJ47, सुनते हैं तलाश जो आएगा मेरे मालूम है तुम लोग उसका भी वेट कर रहे हो, बट ये सभी 4 साल लगा रहे हो भाई। अक्सर तुम्हें एक्स दिखे बाद में, ओवरथिंक जैसे सोचों का कैदी, और बिजरा मुझे रखे औकात में, औलाद में अच्छी माँ समझे, और नशे में स्टोरी सोया सारी रात में, चले चर्च पहले चले दिल बाद में, वाजे देता तुझे दांत में, छोड़ बचपन कैसे ये लड़कपन, लोगों से तो होती रहती है या बे अनबन, तेरा फन बन जाने के ये लोग लन, नबी भी बॉयज घूमे रखे हुए गन बन, गर्दन झुके दुनिया पूरी खुद में ऐसा फर्ज बन, लेबल शेबल ये फालतू के मन, जन में लन पेरी लिखता तू गांड गाना दन बन, दूर तेरा ईगो ही घसीटेगा, मुकाबिल अगर रब वो ही जीतेगा, याद रखिए अच्छा बुरा सबका ना, उसे शिट मिले जो से भूखा हो जीतेगा, अबे नहीं देखा अबे तूने अभी नहीं देखा, सही बोला अर्जुन काम अच्छा हो तो आज कभी मुंह पे नहीं बेका, जो भी लिखूं लगे रहेगी कोई कसरत, कैसी कुदरत पूरी ना हो हसरत, ये जो नफरत सारी अपने ताक रख, सुतरी में बक बक नहीं चाहिए तक बक, बस हर वक्त जोता में भाष नहीं, जल झूठ लेकिन पास कोई कलाश नहीं, वो छोड़ नहीं वो आदम फोड़ नहीं, उससे पूछ असल क्या जिसके घर पे राशन नहीं। यार मेरे को लग रहा है ना अर्जुन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब ने कहीं ना कहीं आग लगा दिया है। गाने का मीनिंग मैं समझा रहा हूँ क्या है गाने का मीनिंग, इन सब ने पहले अपनी सिचुएशन बताई कि मेरी सिचुएशन क्या है, और जो हेटर्स फिर बातें करते हैं
वो बताइए कि भाई ऐसे बातें मत करो, हमारा जो पहले पास्ट है, जो हम मेहनत कर रहे हैं वो देखो। और कहीं ना कहीं गाने के जरिए मोटिवेशन करने की कोशिश भी हो रही है, मुझे कहने की ऐसा लग रहा है। अब आया है तला अंजुम, इसका जादू कुछ अलग है, इसको सुनते हैं। क्यों गर्दिश दुश्वारियां, क्यों बंदिश है भाई, चेहरे से नहीं दिखते गाने, बोला भी दिल में बहुत कुछ बाकी, शिकवे खुदा से काफी, शायद वो रूठा मुझसे के सजदों में भी मिल रहे ना माफी। एक सवाल, दूर से दिखती जलती बुझती एक मिसाल, वो कहते कि मैं बेमिसाल, फिर खुद दे देते मेरी मिसाल, बिना हुनर के भी बाकमाल, छोटी उम्र से ही ग्राइंड किया हार्ड टाइम फ्लाइज, पर लड़के वो ही साथ, सारे भाई हमेशा रहे खास, हमारे खाई खोले सर अब तक आते फ्लैशबैक्स, मेरे लव्स बने कोट्स और हैशटैग्स, स्टिल अ गनर ओके आई आई एमिरेट्स, फेस ऑफ उर्दू रैप मजा मेरे चेहरे पे, मैं सिर्फ सेल आउट करना चाहता स्टेडियम्स, लेकिन लोग और सॉल्टी सोडियम, मैं तू गिन बस मैं जमाने का रैप, मैं अक्स हूं आसमान का दरिया में, हम दरिया दिल पर ये दिल भी दरिया है, सुनिए सुनिए करे मेरी फरियादें, मेरी कामयाबी मेरे रब की करामाते, काम नहीं आती मशीनी जब हम कैद काटे, मैं इल्म हूं वो बड़े जब ये मुझे बांटे, बले बड़े इधर ही बेटा ये कराची है, हसल जरूरी है हसल बंदा बनाती है, हसल को समझना ही नहीं चाहते वरना बात समझ उन्हें मेरी खूब आती है। वाह यार, गाने का मूड बहुत ही बेहतरीन है, थीम भी बहुत गजब है, बहुत आ रहा है यार। ओके गाना खत्म है शायद। सो गाना 6 मिनट का था, सबने कमाल मचा दिया, लेकिन गाने का मूड शायद आप लोग समझ गए होंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, अपने बारे में बता रहे, अपने स्ट्रगल के बारे में बता रहे, फिर जो लोग पीछे बकबक करते हैं उनके बारे में बता रहे, और फिर बता रहे कि आपको क्या करना है, कैसे मोटिवेशन होना है, कैसे जोश में आना है। गाना बहुत ही अच्छा था, गाने का थीम सबने एक ही पकड़ रखा था, और गाने का मकसद यही था, गर्दिश, गाने का मकसद यही था कि अपने बारे में बताना, अपने स्ट्रगल के बारे में बताना, और जो भी बक बक करे उनका मुंह बंद करना। और क्या बोलूँ गाने में, गाना बहुत ही बेहतरीन है। और जब भी यार देखो यार, पाकिस्तान का ये यंग स्टार का सीन मुझे यही बहुत अच्छा लगता है कि ये जितने भी नए टैलेंट आते हैं और इनको लगता है कि हाँ ये बंदे आगे कमाल कर सकते हैं, तो ये उनसे कंपटीशन नहीं देखते कि यार हाँ यार अगर मैं इनको आगे सपोर्ट करूँगा तो पब्लिक हमारी बात करने की जगह इनकी बात ना करने लग जाए। ये चीज़ यंग स्टार में बिल्कुल भी नहीं है, और हर किसी को साथ लेके चलते हैं, ये चीज़ बेस्ट लगती है। और मैं इसलिए कहता हूँ कि उर्दू हिप हॉप का जो एक फ्यूचर है वो तला अंजुम यंग स्टार जोखे के हाथ में, क्योंकि यही लोग आगे लोगों को एक आगे प्रमोट कर सकते हैं, और पब्लिक इनके पास बहुत सारी है, और मालूम है कि ये लोग सच्चे बंदे हैं। और तो भाई शेयर भी नहीं करते गाना अपने साथ के बंदों का, बट जो भी है यंग स्टार, इसलिए मैं बोलता हूँ यंग स्टार फॉर लाइफ, हम भाई यंग स्टार के फैन। गाना सुन के बहुत मजा आया, और गाने के अंदर एक रिलीफ था, एक सेटिस्फेक्शन था। इंट्रो मेरा आपने सुना होगा, था मैं थोड़ा बोरिंग सा लग रहा था, लेकिन अभी आते आते मेरे अंदर थोड़ा बहुत जोश आ गया है। गाना सुन के मुझे बहुत मजा आया, आप लोग बताना आपको गाना कैसा लगा। बहुत सारा प्यार, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।